Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello friends, welcome to session 3. आज के session में हम सीखेंगे कि आप Python में variables को कैसे यूज कर सकते हैं एंड डाटा टाइप्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर सम वैल्यू। मतलब अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाना है, किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, वैल्यू को यूज करना है, तो उसके लिए आपको डिक्लेयर करना होगा एक वेरिएबल। जैसे हम एलजेब्रा में यूज़ करते हैं एक्स वाई, बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग में अगर आपको किसी भी वैल्यू के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर उसको अपनी मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाइथन में आपको किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल पे काम करेंगे तो आप डायरेक्टली उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट किस टाइप का है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह की भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करेंगे उसके बेसिस पे उसकी डाटा टाइप अपने आप डिसाइड हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। तो इन दोनों वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप है वो क्या होगी? इंटीजर। फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया z और उसमें मैंने स्टोर किया टेक गुरु। आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ पे डबल कोट्स लगे हुए हैं, यानी कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आपको अलग से किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डाटा टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है डायनेमिक। अगर आपको याद हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज, मीन्स इसमें रन टाइम पे डाटा टाइप डिसाइड होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि आप वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मुझे स्टार्ट करना होगा पाइथन का आईडीई। मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैंने टाइप किया IDLE, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। सो फ्रेंड्स देखिए, ये पाइथन शेल ओपन हो गया है। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 10, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम है x और उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है 10। जब भी मैं ये लाइन लिखूँगी इसका मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से एक स्पेस एलोकेट किया गया होगा जिसका नाम है x और उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है 10। अब अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो लिखना होगा प्रिंट x। तो ये देखिए 10 प्रिंट हो गया। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं y इक्वल टू 20। मैंने लिखा y, प्रिंट y, 20 आ गया। अब मैंने कर दिया y इक्वल टू, दोस्तों अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ y को, तो देखिए वो भी प्रिंट हो गया। यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर मैंने y को डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप, उसको प्रिंट करवाया, वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही मैंने y में स्टोर कर दिया एक स्ट्रिंग मैसेज और उसको प्रिंट करवाया, वो भी हो गया। इट मीन्स पाइथन में डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। रन टाइम पे आप जो भी वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप डिसाइड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक फंक्शन टाइप। टाइप फंक्शन इस्तेमाल होता है किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप पता लगाने के लिए। अभी क्योंकि y के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप मैसेज स्टोर्ड है, तो जब मैंने y की डाटा टाइप चेक की तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? क्लास str, इट मीन्स y की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं फिर से y में कोई और वैल्यू स्टोर करवाती हूँ,
अब मैंने स्टोर किया y इक्वल टू 5.89। दोस्तों अब इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट y, प्रिंट हो गया। दोस्तों अब हम y की डाटा टाइप चेक करते हैं, टाइप y। तो देखिए अब हमारे पास y की डाटा टाइप क्या मिली है, फ्लोट। क्यों? क्योंकि मैंने y में वैल्यू क्या स्टोर की थी, एक फ्लोट वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को बोला जाता है फ्लोट वैल्यू। और अगर आप ऊपर देखें, यहां पर मैंने y के अंदर स्टोर किया था एक स्ट्रिंग मैसेज, इसीलिए y की डाटा टाइप मेरे पास आई थी स्ट्रिंग। तो दोस्तों आई होप कि डाटा टाइप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना और प्रिंट करवाना, ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। दोस्तों वेरिएबल स्टोर करने का एक और तरीका आपको दिखाते हैं। मैंने लिखा a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10। तो दोस्तों इस तरह से a, b एंड c तीन डिफरेंट वेरिएबल्स मेरे डिक्लेयर हो गए हैं, और तीनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो क्या स्टोर हुई है, 10। ऑलराइट, इसको अब हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट a 10, प्रिंट बी 10, प्रिंट सी 10। तो देखिए इस तरह से आप एक सिंगल स्टेटमेंट में तीन वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स में भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। क्या हम डिफरेंट वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखा, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा अमित कॉमा 28। तो इसका मतलब है ये 10 वैल्यू मेरी स्टोर होगी ए में, अमित ये नेम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी बी में, एंड 28 ये थर्ड वैल्यू जाकर स्टोर होगी सी में। तो चलिए मैंने एंटर प्रेस किया, अब प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट ए मींस 10, प्रिंट बी अमित, प्रिंट सी 28। सो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक सिंगल स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और ये वैल्यू असाइन करता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई जादू नहीं है दोस्तों, जिस वेरिएबल को आपने जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करवाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। दोस्तों आप देखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन पाइथन। तो पाइथन में हमारे पास 5 तरह की स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल एंड डिक्शनरी। सो हम वन बाय वन ये सभी डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। दोस्तों पाइथन में नंबर डाटा टाइप को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है सिंपल इंटीजर वैल्यूज लाइक 10, 56, 150, 10,000, 11, या फिर अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं तो वो भी हमारे इंटीजर कहलाते हैं, जैसे -9, -68, -1000, माइनस एंड प्लस, दोनों तरह की जो नंबर्स हैं वो हमारे हैं इंटीजर्स। दूसरी डाटा टाइप है दोस्तों फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज। मान लीजिए कभी आप लिखें 5/2, तो आप जानते हैं 5 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2.5। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को बोला जाता है फ्लोट नंबर्स, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज। तो दोस्तों इस तरह से फ्लोट वैल्यूज को भी आप पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ फ्लोट नंबर्स जो बहुत बड़े होते हैं उनको लिखने के लिए हम ई को यूज करते हैं। मैथ्स में ये नोटेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ई जो होता है ये 10 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1.2e3, इसका मतलब क्या हुआ, 1.2 एज इट इज रहेगा, e3 इसका मतलब हुआ 1.2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10, और 10 की पावर क्या होगी, जो भी नंबर e के बाद लिखा हुआ है, ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 3। और दोस्तों 10 रेस टू द पावर 3 का मतलब हुआ 1000। तो 1.2 को जब आप 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1200। सो दोस्तों
ई का मतलब क्या हुआ? ई इंडिकेट करता है मल्टीपल ऑफ 10। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैथमेटिक्स में हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 2 + 5j। इसमें से 2 हमारा जो है ये हमारा रियल पार्ट होता है और जो बाद वाला पोर्शन है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें दोस्तों जे किसको रिप्रेजेंट करता है? जे रिप्रेजेंट करता है स्क्वेयर रूट ऑफ -1 को। तो ये मैथमेटिक्स में ज्यादा चलता है, लेकिन पाइथन में हम इसको यूज नहीं करते, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल एंड इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं। इमेजिनरी में जो जे है वो रिप्रेजेंट करता है स्क्वेयर रूट ऑफ -1। दोस्तों उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइथन में इंटीजर और फ्लोट जो होते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब हुआ कि आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने लिखा x = 10। इसके बाद मैं एक फंक्शन यूज कर रही हूँ id। id फंक्शन बताता है कि मैंने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था ये कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। तो आईडी से मुझे इस लोकेशन की आईडी मिलती है। तो ये देखिए मैंने इसकी आईडी प्रिंट करवाई और ये मुझे आईडी मिली। दोस्तों अब मैंने लिख दिया x = 15 और अब मैं फिर से इसकी आईडी प्रिंट करवा के देखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आईडी हमें ये मिली है लेकिन नीचे आईडी चेंज हो गई है। हालांकि हमारा वेरिएबल वही है एक्स, जब हमने उसको 10 वैल्यू दी थी, जब हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी थी तो 10 को एक आईडी मिली, एक लोकेशन मिली और वो लोकेशन हमने यहाँ से प्रिंट करवा दी। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही हमने लिख दिया x = 15, यानी कि 15 को हमारे कंप्यूटर में कहीं दूसरी जगह पर मेमोरी एलोकेट हुई। अब x इस आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जब मैंने अब x की आईडी प्रिंट की तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली। तो दोस्तों जो पुराने जगह पर मैंने 10 स्टोर किया था, हमारे कंप्यूटर ने उस 10 को चेंज करके 15 नहीं किया। 10 को मेमोरी अलग जगह मिली और 15 को मेमोरी अलग जगह मिली। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा। x में मैंने स्टोर किया 10, तो उसको एक मेमोरी एलोकेट हुई, उस मेमोरी का एड्रेस मैंने यहाँ से प्रिंट करवाया। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में x में एक दूसरी वैल्यू स्टोर की। एरर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जो 10 था वो एक जगह पे स्टोर्ड है लेकिन 15 किसी दूसरी जगह स्टोर होगा और अब x उस दूसरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। इसीलिए जब मैंने सेकेंड टाइम आईडी को प्रिंट करवाया तो मुझे न्यू लोकेशन मिली। सो इस लोकेशन पे स्टोर्ड है दोस्तों 15 और इस लोकेशन पे क्या स्टोर हुआ था? 10। तो x एक ही वेरिएबल है लेकिन पहले वो इस लोकेशन को रेफर कर रहा था 10 वैल्यू के साथ, लेकिन अब x इस लोकेशन को रेफर कर रहा है 15 वैल्यू के साथ। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि पाइथन में इंटीजर एंड फ्लोट जो हैं वो इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल मतलब हम उसकी वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल आपको जब भी यूज करना है दोस्तों तो आपको डबल कोट्स लगाने हैं और उसके अंदर आप मैसेज दे सकते हैं। आप जो भी मैसेज देंगे उसके साथ साथ ये स्पेस भी उसमें काउंट होगा। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ str। अब मैं str को प्रिंट करवाती हूँ। तो देखिए दोस्तों वेलकम टू टेक गुरु हमारा प्रिंट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है मल्टी लाइन स्टेटमेंट का। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया, उसमें स्टोर किया 10। मैंने एक दूसरा वेरिएबल b में 20 स्टोर किया और तीसरे वेरिएबल c में 15 स्टोर किया। अब मुझे लिखना था सम इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो मैंने लिखा सम इक्वल टू a प्लस, लेकिन गलती से
बी टाइप करने की बजाय मुझसे एंटर प्रेस हो गया। तो देखिए क्या हुआ, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि पाइथन एंटर आते ही वो ये अज्यूम करता है कि आपने अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी है और वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि मैं पाइथन शेल में सिंगल लाइन ही रन कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी स्टेटमेंट कुछ ऐसी हो कि वो मल्टी लाइन है तो मैं क्या करूँगी। तो दोस्तों पाइथन में शेल आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए ए प्लस और इसके बाद मैं प्रेस कर रही हूँ स्लैश। अब मैंने प्रेस किया एंटर, तो देखिए कोई एरर नहीं आया। इससे पहले वाली लाइन में जब मैंने ए प्लस टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया था तो मुझे इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ रहा था, बिकॉज पाइथन मान रहा था कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब मैंने सम इक्वल टू ए प्लस के बाद ये स्लैश लगा दिया। स्लैश से पाइथन को पता लग जाएगा कि अभी आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने लिखा बी प्लस, फिर से स्लैश, एंटर, सी। अब मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं स्लैश टाइप नहीं करूंगी, मैंने सीधा एंटर प्रेस किया। तो देखिए कोई एरर नहीं है। अब हम सम को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक हुई या नहीं। देखिए तो सम में इसने प्रिंट कर दिया 45 कैसे आया, ए प्लस बी प्लस सी, 10 प्लस 20 प्लस 15 इज 45। दोस्तों इसी तरह से आप पाइथन में स्ट्रिंग वैल्यूज भी मल्टी लाइन में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा str इक्वल टू दिस इज लाइन 1, लेकिन मुझे इसके साथ एक दूसरी लाइन भी टाइप करनी है, बट मैं उसको सेम लाइन में टाइप नहीं करना चाहती। मान लीजिए आपकी लाइन टाइप करते करते बहुत लंबी हो गई है, अब आप चाहते हैं नेक्स्ट लाइन यहाँ एंटर प्रेस करके टाइप करें, बट अगर अभी मैं एंटर प्रेस कर दूंगी तो एरर आएगा। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम सिंगल कोट्स की जगह ट्रिपल डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने लिखा दिस इज लाइन 1, एंटर प्रेस किया, दोस्तों कोई एरर नहीं है। मैंने लिखा दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, अब मैं डबल कोट्स को क्लोज भी कर दिया। तो ये देखिए अब ये पूरा मैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मैसेज मेरा किस में स्टोर हुआ है, str में। मैंने बीच में दो बार एंटर भी प्रेस किया लेकिन इसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया, क्योंकि मैंने ये पूरा मैसेज जो है वो ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर लिखा है। अब हम str को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इस बार str हमारा सिंपल प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हर लाइन के बाद एंटर प्रेस किया था तो वो एंटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। पाइथन में हमारे पास ये तीन डेटा टाइप्स भी होते हैं, ये तीनों डेटा टाइप एक से ज़्यादा वैल्यू अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने एरे का नाम ज़रूर सुना होगा। एरेज इस्तेमाल होते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू अपने अंदर स्टोर करवाने के लिए। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। इसी तरह से पाइथन में हमारे पास एरे की जगह पर है लिस्ट। तो दोस्तों लिस्ट जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करवा सकती है। जब भी आप लिस्ट बनाएं स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और जो भी वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो सब उसकी आइटम्स बन जाएंगी। लिस्ट के बाद सेकंड है टपल। टपल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इसके लिए यूज होता है दोस्तों राउंड ब्रैकेट। और जैसे हम लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, इसी तरह टपल में भी हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। उसके बाद आया डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारा लिस्ट और टपल से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि डिक्शनरी में
हर वैल्यू से पहले हमें उसकी की भी देनी पड़ती है। तो डिक्शनरी में हर चीज़ की एंड वैल्यू की तरह स्टोर होती है, जैसे कि हैश टेबल में होता है। तो दोस्तों, अभी हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देखा है, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि पाइथन के अंदर ये तीनों डेटा टाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों के सभी फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रैक्टिकल आज मैंने आपको करवाए हैं, आप एक बार उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।